हम आत्मा बिंदु बिंदु कैसे? हाउ आर वी सोल्स पॉइंट्स? आदमी औरत जब शरीर छोड़ता है तो उसमें से क्या निकल जाता है? जो बोलना चालना हलन चलन बंद हो जाती है। When a man or a woman leaves the body, what goes away from their body because of which they stop speaking, walking and moving? शरीर मुर्दा हो जाता है। The body becomes a corpse. जो शक्ति निकल गई, वो आत्मा है। The power that went out is the soul. अब मुर्दे में और बोलते चालते आदमी में पहचान क्या है? Now, how do we recognize the difference between a corpse and a man who speaks and walks? पहचान है। There are points of recognition. मुर्दा जिसमें से आत्मा निकल गई, उसकी आंखें बटन के समान हो जाती है। The eyes of the corpse from which the soul went out become like buttons. कोई हलन चलन नहीं रहती। He makes no movements. आँखों में कोई आकर्षण नहीं रहता। There is no attraction in the eyes. और जिसमें आत्मा होती है, चैतन्य होता है, तो आँखों में रमक दिखाई पड़ती है। And the body in which the soul is present, the body that is living, has radiance in the eyes. तो जो आँखों में रमक अर्थात ज्योति दिखाई देती है, वही आत्मा है। So, the radiance, that is, the light that is visible in the eyes, that itself is the soul. वो आत्मा एक तरह का सेल है। That soul is a kind of cell. जैसे बैटरी में सेल होता है। For example, there is cell in a battery. Here, torch. छोटी-छोटी घड़ियां आती हैं, उनमें बहुत छोटा सेल होता है। There are small watches. Which have a very small cell in them. आजकल तो मोटर कार भी बैटरी से चलती है। Nowadays, motor cars also run on batteries. तो हमारी आत्मा एक बैटरी मुआफिक है। So, our soul is like a battery. बहुत छोटी सी बैटरी है। It is a very small battery. उस छोटी सी बैटरी की यादगार में पुराने जमाने से स्त्रियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं। In the memorial of that small battery, women have been applying a bindi, meaning a dot, and men have been applying a tika, meaning a vermilion mark on their forehead since ancient times. अर्थात आत्मा ज्योति बिंदी है। It means the soul is a point of light. ज्योति का बिंदु है। It is a point of light. जिस ज्योति बिंदु बैटरी की रोशनी आँखों से निकलती है। The radiance of that point of light, the battery, emanates from the eyes. आदमी शरीर छोड़ देता है, आँखें बटन हो जाती, माने आत्मा निकल गई। When a man dies, his eyes become like buttons. It means the soul has left. वो आत्मा इस शरीर का राजा है। That soul is the king of this body. राजा कहाँ बैठेगा? Where will a king sit? ऊंची गद्दी पर बैठेगा या दरवाजे पर आकर के ड्यूढ़ी पर बैठेगा? Will he sit on a high throne or will he come and sit on the doorstep? ऊंची गद्दी पर बैठेगा। He will sit on a high throne. तो इस शरीर में अनेक अंग हैं। So this body has several parts. श्रेष्ठ अंग भी है, नीचे अंग भी है। There are elevated parts as well as low parts. तो आत्मा का स्थान उत्तम अंग। So the location of the soul is the उत्तम अंग, meaning head. उत्तम अंग, that is the highest part of the body. उत्तम ते उत्तम अंग है कौन सा? Which part is the most elevated? ये मस्तक जो है
इसे उत्तमांग कहते हैं। दिस फोरहेड इज सेड टू बी द उत्तमांग। इस उत्तमांग में ब्रकुटी के मध्य में आत्मा रहती है। द सोल रिसाइड्स इन दिस उत्तमांग इन द ब्रकुटी मीनिंग प्लेस बिटवीन द टू आईब्रोज। जो गीता में भी कहा गया है ब्रोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। दिस हैज ऑल्सो बीन मेंशन्ड इन द गीता भ्रवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। मनुष्य जब शरीर छोड़े तो भ्रकुटी के मध्य में अपने प्राण रूप आत्मा को याद करे। दैट इज व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज अबाउट टू लीव हिज बॉडी ही शुड रिमेम्बर हिज सोल इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इन द भ्रकुटी। वो प्राण रूप आत्मा का रूप क्या है? What is the form of that soul in the form of life? वो भी गीता में बताया है अणोरणियान अणु से भी अणुरूप है। That has also been mentioned in the Gita. अणोरणियान that is its form is subtler than even an atom. वो अणुरूप आत्मा इस शरीर में विराजमान है। That atom-like soul is present in this body. वो कभी स्त्री चोला धारण करती है, कभी पुरुष चोला धारण करती है। Sometimes it takes on a female body and sometimes the body of a male. आत्मा स्त्री भी बनती है, कोई जन्म में पुरुष भी बनती है। The soul becomes a woman in some births and it also becomes a man in some other births. आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज है। The soul is the seed of this tree-like body.